नमस्कार दोस्तों, मौसम की सटीक जानकारी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग और राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार जानेंगे आगामी दिनों का अपने राजस्थान का मौसम कैसे रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अपने राजस्थान में मौसम बदलाव की घोषणा कर दी है। आपको ये संपूर्ण जानकारी नक्शे के माध्यम से दी जाएगी और प्रत्येक ज़िले के बारे में विस्तार से आपको समझाया जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ताज़ा अपडेट के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान के पूर्वी जिलों में ही दोस्तों मध्यम और हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों अभी आपको और इंतज़ार करना होगा। हालांकि धूल भरी आंधी चलने के बाद भारी गर्मी के बाद आपको दोपहर बाद यहां पर मौसम पश्चिमी राजस्थान में भी परिवर्तित हो सकता है। मध्यम और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी दोस्तों मानसूनी जोरदार बारिश की उम्मीद पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में दोस्तों कुछ दिन बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ दोस्तों घेरे काले बादल भी पहुंच जाते हैं और दोपहर बाद अधिकांश जिलों में मौसम परिवर्तित होने के बाद मध्यम और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूरी है दोस्तों, आगामी दिनों में जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में अब विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं IMD इंडिया मेटर डिपार्टमेंट के अनुसार अपने राजस्थान का जो आगामी दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है, कहां पर मानसून जोरदार बारिश करेगा, कौन कौन से जिले में भारी और मध्यम हल्की बारिश की संभावना है। 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून का मौसम विस्तार से आराम से समझेंगे प्रत्येक जिले के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले 27 जून की स्थिति की यदि हम बात करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये 27 जून की स्थिति रहेगी अपने राजस्थान में। और दोस्तों यहाँ जो स्थिति है आप देख रहे हैं, ये जो पूरा येलो अलर्ट है इससे दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों में दोस्तों आगामी 27 तारीख को मध्यम और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्थिति को, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं उनकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। धूल भरिया आंधियाँ चलेंगी और दोपहर बाद मौसम परिवर्तित होगा। गहरे काले बादल पहुंचकर मध्यम और हल्की बारिश से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में करेंगे। इधर हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान की स्थिति, तो पूर्वी राजस्थान में दोस्तों जो हवा की स्पीड है वो थोड़ी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और यहाँ पर गर्जना के साथ मध्यम और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। ये स्थिति 27 जून की है, अपने पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट है। आगामी बात करते हैं दोस्तों 28 जून की अपने राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ये दोस्तों स्थिति है 28 जून की। 28 जून में आप देख रहे हैं अपने राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ है, कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो उसमें ग्रीन अलर्ट यानी कि ग्रीन क्षेत्र में रखा है, यानी कि अधिकांश जिलों में आपको यहाँ साफ मौसम देखने को मिलेगा, तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मध्यम और हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। हालांकि गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन मध्यम और हल्की बारिश जरूर शाम के बाद, यानी कि कह सकते हैं या तो शाम को मौसम परिवर्तित होगा या फिर दोपहर बाद मौसम परिवर्तित होगा। ये पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की स्थिति है। 29 जून की स्थिति अगर हम देखते हैं, तो 29 जून की स्थिति में भी दोस्तों काफ़ी बदलाव देखने को मिला है राजस्थान में, यानी कि अब आपको और आगे बारिश में थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 29 जून की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा जो राजस्थान है अपना ग्रीन क्षेत्र में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि तेज़ गर्मी के बाद मौसम परिवर्तित हो सकता है और यहाँ पर शाम तक बारिश अधिकांश जिलों में देखने को मिल भी सकती है, वो हम आपको अपडेट न्यूज़ में बताते रहेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, मौसम की एकदम विस्तार से जानकारी मिलेगी। दूसरी, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके ज़िले की सटीक जानकारी हम आपको दे सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं 30 जून की, तो दोस्तों 30 जून को भी अपने राजस्थान की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं है, यानी कि 29 और 30 जून को राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर यदि बारिश होगी तो बताया जाएगा और यदि बारिश नहीं होगी तो नहीं बताया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि गर्मी के साथ जैसे गर्मी बढ़ती है कुछ ज़िलों में, जैसे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ पर शाम को या दोपहर बाद 3 बजे के बाद मौसम परिवर्तित हो सकता है और वहाँ पर झमाझम बारिश की भी संभावना बन सकती है। हालाँकि आपको इन ज़िलों में तो बारिश देखने को 29 और 30 तारीख को भी मिलेगी। चलिए अब हम आपको नक्शे के माध्यम से प्रत्येक ज़िले के बारे में डिटेल से बता देते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 27 जून की। तो आपने देखा था कि अपने जो पूरा राजस्थान है उसमें येलो अलर्ट था, तो किसी विशेष जिले के बारे में हम आपको क्या बताएं कि वैसे ये खान अपन ये कह सकते हैं कि अधिकांश जिलों में आपको मध्यम और हल्की बारिश 27 जून को देखने को मिलेगी। 28 जून को मौसम परिवर्तित होगा और केवल आपको जो पूर्वी राजस्थान है उन्हीं के अधिकांश जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 27 जून की, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में आपको मध्यम और हल्की बारिश देखने को मिलेगी 27 जून को। लेकिन बात कर लेते हैं अपन 27 जून को, वैसे इन जिलों में तो देखने को मिलेगी यानी कि जैसे कि जयपुर है, दलबर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बारिश देखने को मिलेगी दोस्तों वो इन जिलों में देखने को मिलेगी, जिनमें बात करें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, इन जिलों में आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। और आगामी दिनों की यदि हम बात करें तो मौसम यदि अगर चेंज नहीं हुआ और यही अपडेट रहा तो दोस्तों आगामी दिनों में केवल इन्हीं जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। ये स्थिति दोस्तों अभी की अपडेट है, बाद में मौसम में जो परिवर्तन होगा उससे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे।